उनमें शुक्रवार को देवी महालक्ष्मी जी का 12वां अन्नकूट महोत्सव संपन्न हुआ। इस दौरान 50,000 से ज्यादा लोगों ने माता की प्रसादी ग्रहण की। जिले के ग्राम उन के लिए शुक्रवार का पूरा दिन धार्मिक बयारों से भरा रहा। यहाँ प्रतिवर्ष होने वाले अन्नकूट महोत्सव में दिन भर विभिन्न तरह की गतिविधियां आयोजित हुई। महोत्सव की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। स्थानीय गायत्री मंदिर से निकली इस कलश यात्रा में गांव की नन्नी मुन्नी बालिकाओं ने हिस्सा लिया। ग्रामीणों द्वारा माता गायत्री जी की झांकी भी निकाली गई। बैंड बाजों से नगर भ्रमण के दौरान कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। कलश यात्रा का समापन कन्या पूजन एवं गो पूजन के साथ किया गया। इस दौरान माता का परंपरागत भंडारा भी आयोजित किया गया, जिसमें दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। भंडारे में उन सहित आसपास के ग्रामीणों ने सेवा दी। उत्सव में माता को 56 भोग भी अर्पित किए गए। माता का भव्य श्रृंगार एवं लगाए गए 56 भोग आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहे। उनसे दिनेश दसुंदी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।